कक्षा 12वीं की स्टूडेंट पढ़ ली आपके यहाँ बहुत ही साथ साथ 83 बच्चे 2023-24 पेपर लेके आ चुके हैं, और साथ ही स्टूडेंट अभी तक आपने यहाँ पर बहुत ही साथ में कुछ भी याद नहीं किया, तो हम जो पेपर कराने वाले हैं और आप यहाँ पर इसे याद कर लेते हैं तो पूरी मार्क्स लाने वाले हैं। ठीक है, पूरा पेपर हम आपका यहाँ पर संपूर्ण हालचाल कराएंगे। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम बड़ी मदद से आपके लिए यहाँ पर बहुत ही साथ पेपर लेके आ चुके हैं, और स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 12वीं 83 बच्चे 2023-24 बहुत ही साथ। ठीक है, पूरा अंक आपका 70 नंबर का रहने वाला, समय आपका 3 घंटे का रहेगा, और जो कुल प्रश्न संख्या रहेगी वो आपकी 19 रहेगी। आपके यहाँ पर नरेश आते सही प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में यहाँ पर 7 अंक निर्धारित है। ठीक है, आपके यहाँ पर नरेश आते तो नरेश भी आप पढ़ लीजिए, पूरा पेपर लेके आ चुके हैं, तो इस पेपर को आपको पूरे एंड तक देख के जाना, पूरा पेपर संपूर्ण हल साहित कराएंगे। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए जो आपके यहाँ पेपर वो देख लेते हैं, तो आपके यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। ठीक है, आपके यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए आपके 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता किसी बिंदु आवेश से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है, तो आपका आता 1/r, और बा आता 1/r² से आता 1/r, ठीक है, 1/r³, और दा आता 1/r^4। तो किसी बिंदु आवेश से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा। ठीक है, 1/r², तो आपको यहाँ पर अच्छे देखना और सही सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद करने हैं। और दूसरा था आवेश 10 कूलम से किसी चालक के विभव में वृद्धि 2 वोल्ट होती है, तो चालक की धारिता, ठीक है, चालक की धारिता 5 फैराड रहेगी, 10 फैराड या 20 फैराड या 25 फैराड, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 5 फैराड। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा आता है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा, तो आपका आधा हो जाएगा, 2 गुना या 1/4 या 4 गुना, तो एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना। आपके यहाँ पर चौथा आता है, धर्मापी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने बनता है, तो वोल्टमीटर बनता है, अमीटर बनता है या वोल्टमीटर बनता है, इनमें से कोई नहीं। तो धर्मापी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने बनता है वोल्टमीटर, आपका यहाँ पर चौथी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपका पाँचवा आता, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण विपरीत विद्युत विभाग बल निम्न से स्वतंत्र होता है, तो फ्लक्स में परिवर्तन, समय, और साथ फेरों की संख्या, और दाता कुंडली का प्रतिरोध, तो यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत विभाग बल निम्न से स्वतंत्र होता है, तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर द, कुंडली का प्रतिरोध। अब आपका यहाँ पर आता है छठा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली जो युक्ति है वो है आपकी एसी जनरेटर। ठीक है, विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति एसी जनरेटर। आपका यहाँ पर सातवां आता, 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक पर समान होगा, तो इसका आंसर रहेगा आपका आवेश। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 7 नंबर के सही विकल्प जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगी, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। ठीक है, पूरा पेपर आपको अच्छे से याद करना, आप अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं आप बहुत ही साथ पेपर में, तो इस पेपर को जरूर पूरा कंप्लीट अच्छे से याद करना है। और आपके रजिस्ट्रेशन आते हैं, रजिस्ट्रेशन पूर्ति कीजिए। 7 नंबर के आते पहला आता धातु का प्राविद्युतांक होता है, तो ये आपको बताना है। तो चलिए इसका आपका यहाँ पर आंसर वो देख लेते हैं, तो यहाँ पर जो धातु का प्राविद्युतांक होता है वो होता अनंत। ठीक है, आपके यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर आपका हो जाएगा अनंत। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान देख लेते हैं, तो दूसरा आपका रेगिस्तान आता है मूल आवेश का मान 0.2 कूलम होता है, तो यहाँ पर मूल आवेश का मान होता है 1.6×10^-19 कूलम, ये आपका यहाँ पर रहेगा दूसरे का आंसर। फिर आपका तीसरा आता है किसी संधारित्र पर नेट आवेश 0 होता है, तो किसी संधारित्र पर नेट आवेश कम होता है, ये आपका रहेगा तीसरे का आंसर। आपके यहाँ पर चौथा आता है किरचॉफ का प्रथम नियम डोंट के सिद्धांत पर आधारित है, तो यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण, ठीक है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, चौथे का आंसर रहेगा आपका आवेश संरक्षण। पांचवा आपका आता है चुम्बकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लोरेंज बल कहते हैं, तो पांचवें का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर लोरेंज बल। छठवां आता टेस्ला डोंट का मात्रक होता है, तो आपके इसका रहेगा छठवें का आंसर, यहाँ पर देख लीजिए चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला, तो छठवें का आंसर रहेगा चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता। और सातवां आता है LC परिवर्तन धारा और विभवांतर के मध्य डोंट का कलांतर होता है, तो यहाँ पर LC परिवर्तन धारा और विभवांतर के मध्य 90 डिग्री का कलांतर होता है, तो सातवीं का आंसर रहेगा आपका 90 डिग्री। पहले का आंसर आपका अनंत रहेगा, दूसरे का आंसर 1.6×10^-19 कूलम, और तीसरे का आंसर आपका कम रहेगा, चौथे का आंसर आपका आवेश संरक्षण, पाँचवें का आंसर आपका लॉरेंज बल, और छठवें का आंसर चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता, और सातवें का आंसर आपका 90 डिग्री। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 7 नंबर के जो रेगिस्तान है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीन आप दिखा रहे हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आती हैं सरोड़ियाँ, आती हैं कॉलम ए और बी में, आपके यहाँ पर दी सरोड़ी 7 नंबर की आती हैं। पहली आती है चलकुंडी धारामापी, तो इसे मैच करना आपको यहाँ पर धारा चुम्बकीय प्रभाव से मैच। जो दूसरी आती षष्ठी धारामापी, तो इसे आपको अमीटर से मैच करनी है। और जो तीसरी आती क्रम में उच्च प्रतिरोध जुड़ा धारामापी, तो इसे वोल्टमीटर से मैच करनी है। और जो आती है लॉरेंज बल्ब, चौथी लॉरेंज बल्ब को मैच करना आपको यहाँ पर QVV
साइन टीचर, ठीक है, क्यू यू बी साइन टीचर मैच करनी है आपकी, और जो आती है आपकी लॉरेंज बॉल, ठीक है, ये आपकी हो गई है। पाँचवीं आती है चुम्बी की, ये फ्लक्स, तो इसे मैच कर लीजिए आप, फाइव बराबर बी इंटू ए से। और जो आपकी छः में आती है चुम्बी की आगू, इसे मैच करना आपको ए एम स्क्वायर से। और जो आपकी आती है ध्रुव प्रावल, तो इसे मैच करना आपको ए एम से। तो इस तरह से आपकी सात नंबर की सजोड़ी कंप्लीट हो जाती है। स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके इस सतबाक मत आते हैं, जो कि सात नंबर के आते पहला आता है, किस प्रकार के अभी समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप देख लीजिए, समान रूप से आवेशित अनंतल, ये आपका पहले का आंसर रहेगा। दूसरा आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। और आप तीसरा आता है अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अब चौथे का आप यहाँ पर चौथा आता है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर एक विश्लेषणात्मक तकनीक है, ये आपको चौथे का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पाँचवा आता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसी मात्रा लिखिए, तो जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसी मात्रा होता है वो होता है टेस्ला, ठीक है, आप पाँचवें का आंसर रहेगा टेस्ला। और छः माता सौ प्रतिशत का ऐसी मात्रा लिखिए, तो यहाँ पर सौ प्रतिशत का ऐसी मात्रा होता है हेनरी, ठीक है, छः में का आंसर आपका हेनरी आएगा। और सातवां आता है लेंज का नियम किस नियम के अनुकूल है, तो लेंज का नियम है यहाँ पर देख लीजिए, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। तो इस तरह से आपके हो जाते हैं यहाँ पर एक बाकी होता है कंप्लीट। पहले का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरे का आंसर, ठीक है, स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं, तीसरे का आंसर देख लीजिए, चौथे का आंसर देते हैं, और पाँचवीं का आंसर देख लीजिए, छः में सात में, ठीक है। इस तरह से आपके एक साथ बाकी मतलब कंप्लीट हो जाते हैं, और हमने पूरे आपके ऑब्जेक्ट यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं। अब चलिए आपके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, आपने ऑब्जेक्ट अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। अब आपके यहाँ पर पाँचवें क्वेश्चन आता है, दो विद्युत क्षेत्र का एक दूसरे क्यों नहीं काटती है, आपका दो नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और इसका तो आता है विद्युत क्षेत्र की परिमाण मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए, जो इनके आंसर वो भी हम कराएंगे। पहले आप यहाँ पूरे पेपर देख लीजिए, जिससे आपको कोई क्वेश्चन ना छूट जाए, और पूरे क्वेश्चन आपको याद करने तभी आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। और छः नंबर क्वेश्चन आता है, समय प्रश्न किसे कहते हैं, अथवा आता है किसी खोखले गोली चालक के अंदर व्यवहार नियत क्यों रहता है। और सातवें क्वेश्चन आता है, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है, इसका अथवा आता ओम का नियम लिखिए। आठवें क्वेश्चन आता है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, इसका अथवा आता अमीटर और वोल्टमीटर कोई दो अंतर लिखिए। फिर आपका यहाँ पर नौवां क्वेश्चन आता है, तो नौवां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। दसवें क्वेश्चन आता है, फैराडे की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए, अथवा आता दो कारकों के नाम लिखिए जिन पर वायु करोड़ कुंडली का सौ प्रतिशत निर्भर करता है। ग्यारहवें क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता है, दो नंबर क्वेश्चन रहेगा इसका, अथवा देख ली। फिर बारहवें क्वेश्चन आता है, बारहवें क्वेश्चन देखते हैं, बारहवीं का अथवा आता है पृथ्वी विवाह को शून्य क्यों माना जाता है, ठीक है, आप यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर पृथ्वी विवाह को शून्य क्यों माना जाता है आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका बारहवें क्वेश्चन है। फिर आपका यहाँ पर आता है तेरहवें क्वेश्चन, तो तेरहवें क्वेश्चन देख लीजिए, किसी बिंदु आवेश क्यू के कारण उससे की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक ज्ञात कीजिए। और आपके यहाँ पर तेरहवें का अथवा देख लीजिए, चंद्रमा क्वेश्चन आता है कि चला के प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए, बताइए कि ये प्रभाव को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। अथवा आता है समय प्रश्न किसे कहते हैं, इसकी चार विशेषताएं लिखिए। पंद्रह क्वेश्चन आता है, किरचॉफ के नियम लिखिए, उनकी व्याख्या कीजिए। तीन नंबर क्वेश्चन रहेगा आपका पंद्रह का, अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए कि चलिए आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टा और विद्युत धारा संबंध स्थापित करना आपको। और सोलहवां क्वेश्चन देख लीजिए, आपका तीन नंबर का रहेगा। और फिर सत्रहवां क्वेश्चन आता है कि किसी गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र का निर्माण करो, चार नंबर का क्वेश्चन है। अथवा आता समानता क्रम श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अठारहवां क्वेश्चन आता है, सौ प्रतिशत क्या एक लंबी पाई नाल का सौ प्रतिशत का व्यंजक निर्माण कीजिए, पाँच नंबर का रहेगा। अथवा आता दो समतल व्यक्ति कुंडली के मध्य अन्य में प्रेरगत हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। अब आपको उन्नीसवें क्वेश्चन आता है, एसी परिवर्तन संधारित्र के प्रतिघात से क्या तात्पर्य है, इसके व्यंजक प्राप्त कीजिए, पाँच नंबर का क्वेश्चन रहेगा इसका। अथवा आता ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदुओं पर कीजिए, नामांकित चित्र सिद्धांत परिणाम अनुपात का सूत्र ऊर्जा सहीकरण तय इन्हें कम करने के उपाय। तो इस तरह से आपके यहाँ पूरा यहाँ पर कक्षा बारहवीं का बहुत ही सारे पेपर कंप्लीट हो जाता है। और जो स्टूडेंट अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, तो जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी पूरी पेपर की सोल्यूशन हिस्सा देते हुए। टेकिंग बाय बाय।